इस वक्त की वड्डी खबर श्रोमणी अकाली दल के नाल संबंधित सामने आ रही है। कोटकपुरा गोलीकांड लैके हूँ तत्काली डिप्टी सीएम सुखबीर बादल तो भी पुछगिछ करेगी नवी सिट। तो दस दई है कि सिट ने 26 जून को सुखबीर बादल को तलब किया है। दस दई है कि कोटकपुरा गोलीकांड के समय गृह विभाग भी सुखबीर बादल को गृह मंत्री सन सुखबीर बादल। हालांकि 22 जून को सबका डिप्टी सीएम प्रकाश सिंह बादल तो भी पुछगिछ सिट कर चुकी है। हालांकि सिट को लेकर भी लगातार अकाली दल सवाल चुक रहा है। तो सिट के भी सियासीकरण के दोष अकाली आगुआ के वलों लगाए जा रहे हैं। हुण 26 जून 11 बजे सुखबीर बादल तो पुछगिछ की जाएगी इस नवी सिट के वलों। दस दईए कि एल के यादव ADGP की अगुवाई दे विच नवी सिट का गठन किया गया है। तो पंजाब सरकार ने नवी सिट को 6 महीने के अपनी जाँच मुकम्मल करके रिपोर्ट सौंपण को किया। दस दईए कि अकाली दल ने भी साफ कर दिता कि हर संभव मदद जो है वो नवी सिट की जाएगी। तो वड्डी खबर जो है वो श्रोमणी अकाली दल के नाल संबंधी सामने आ रही है। कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर हूँ डिप्टी सीएम तत्काली डिप्टी सीएम सुखबीर बादल तो भी पुछगिछ की जाएगी। सिट ने 26 जून को सुखबीर बादल को तलब किया है। दस दईए कि कोटकपुरा गोलीकांड के समय गृह विभाग भी सुखबीर बादल को 22 जून को सबका डिप्टी सीएम प्रकाश सिंह बादल तो भी पुछगिछ की जा चुकी है नवी सिट के वलों। हालांकि सिट को लेकर भी अकाली दल वलों सवाल चुके जा रहे हैं। तो इस सिट के भी सियासीकरण के दोष अकाली आगुआ के वलों लगाए जा रहे हैं। तो हूँ 26 जून 11 बजे सुखबीर बादल तो पुछगिछ करेगी LK यादव ADGP की अगुवाई वाली नवी सिट। तो अकाली दल लगातार कह चुका है कि हर संभव मदद जो है वो नवी सिट की जाएगी। दसने योग है कि सरकार ने नवी सिट बना के 6 महीने च अपनी जाँच में मुकम्मल कर रिपोर्ट सौंपन किया है। इस वक्त की वड्डी खबर श्रोमणी अकाली दल के नाल संबंधित सामने आ रही है। कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर हूँ तत्काली डिप्टी सीएम सुखबीर बादल तो भी पुछगिछ करेगी नवी सिट। तुहानू दस दईए कि सिट ने 26 जून को सुखबीर बादल को तलब किया है। दस दईए कि कोटकपुरा गोलीकांड के समय गृह विभाग भी सुखबीर बादल को गृह मंत्री सन सुखबीर बादल। हालांकि 22 जून को सबका डिप्टी सीएम प्रकाश सिंह बादल तो भी पुछगिछ सिट कर चुकी है। हालांकि सिट को लेकर भी लगातार अकाली दल सवाल चुक रहा है। तो सिट के भी सियासीकरण के दोष अकाली आगुआ के वलों लगाए जा रहे हैं। हूँ 26 जून 11 बजे सुखबीर बादल तो पुछगिछ की जाएगी इस नवी सिट के वलों। दस दईए कि LK यादव ADGP की अगुवाई दे विच नवी सिट का गठन किया गया है। तो पंजाब सरकार ने नवी सिट को 6 महीने के अपनी जाँच मुकम्मल करके रिपोर्ट सौंपण को किया। दस दईए कि अकाली दल ने भी साफ कर दिता कि हर संभव मदद जो है वो नवी सिट की जाएगी। तो वड्डी खबर जो है वो श्रोमणी अकाली दल के नाल संबंधित सामने आ रही है। कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर हूँ डिप्टी सीएम तत्काली डिप्टी सीएम सुखबीर बादल तो भी पुछगिछ की जाएगी। सिट ने 26 जून को सुखबीर बादल को तलब किया है। दस दईए कि कोटकपुरा गोलीकांड के समय गृह विभाग भी सुखबीर बादल को 22 जून को सबका डिप्टी सीएम प्रकाश सिंह बादल तो भी पुछगिछ की जा चुकी है नवी सिट के वलों। हालांकि सिट को लेकर भी अकाली दल वलों सवाल चुके जा रहे हैं। तो इस सिट के भी सियासीकरण के दोष अकाली आगुआ के वलों लगाए जा रहे हैं। तो हूँ 26 जून 11 बजे सुखबीर बादल तो पुछगिछ करेगी LK यादव ADGP की अगुवाई वाली नवी सिट। तो अकाली दल लगातार कह चुका है कि हर संभव मदद जो है वो नवी सिट की जाएगी। दसने योग है कि सरकार ने नवी सिट बना के 6 महीने च अपनी जाँच में मुकम्मल कर रिपोर्ट सौंपन को किया है। पंजाब ते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट खबर दी निरपक्ष आवाज। विजिट करो www.nirpakhpost.com।